तो बाबू लोग, नल नल हो रहा था पिछले 2 महीने से, वो नल पैदा हो चुका है और बिल्कुल बच्चा है। कैसे वो आगे वीडियो में बताऊंगा। हालांकि मूवी वेनम की ट्रायोलॉजी थी, पर चर्चे ज्यादा नल के थे। और वो क्यों थे, बाबा मूवी में बहुत रेस्पेक्टफुली एड्रेस किया है उसका। मतलब तुमने अभी करके देवरा मूवी देखी होगी, या साउथ की कोई भी टिपिकल मूवी उठा लो, उसमें एक थर्ड पर्सन होता है जो हीरो की तारीफें करते थकता नहीं है, मतलब डींगे हाँकते थकता नहीं है। वो आग है, वो तूफान है, वो सबका बाप है, वो इंसान ही नहीं है, वो लौड़ासुर है, वो धी पिसाज भांड है, क्या बात कर रहे बाबा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बाबा नल को ही ऐसा दिखाया है और वो वाकई में ऐसा ही है। मोस्ट पावरफुल लॉर्ड बिंग भी नहीं कह सकता मैं उसको, जिसका एग्जिस्टेंस दुनिया से पहले का है, यानी जब इस अंधकार में रोशनी भी नहीं थी तब से। तो यस, इस पार्ट को मेकर ने कोई कमी नहीं करी है। और आपको बार बार एहसास होगा कि बीसी ये तो सबको खत्म ही कर देगा। मतलब मार्वल यूनिवर्स में हमने इतना पावरफुल विलन नहीं देखा था। उसके जो नॉर्मल वॉरियर हैं यानी जीनोफेजेस, बाबा उनको ही मारना कोई आसान काम नहीं था। सिम्बियोट जो अभी तक हमें बहुत पावरफुल दिखाए जा रहे थे, वो उन जीनोफेजेस को मारने के लिए मरते जा रहे हैं, पर ये मर के कट के फिर के फिर जिंदा हो जा रहे हैं। तो तुम समझ लो कि नल को हराने का क्या तोड़ हो सकता है, जब उसके टुच्चे से जीनोफेजेज ही सबकी मैया पलोत कर रहे हैं तब। मतलब एसएससी यूनिवर्स ने इतना पावरफुल विलेन तैयार तो कर लिया, लेकिन इसे हराएगा कौन? मतलब वही बात होगी कि वायरस तो बना लिया, पर एंटीडोट कहाँ है? चलो बाकी मूवी की बात कर लेते हैं। स्पॉइलर कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम भी इस मूवी को देखो। बेस्ट मूवी है, पैसा वसूल मूवी है और थिएटर में देखने लायक मूवी है। लेकिन बाबा शुरू करने से पहले एक लाइक से हाजिरी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं अभी ब्रेक डाउन एंड थ्योरीज वाला पार्ट लाने वाला हूं। उसके बाद फ्यूचर स्टोरी प्लॉटिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो आपका एक लाइक और मेरा इंस्पिरेशन जिंदाबाद रहेगा। बाबा लोग, स्टोरी की बात करें तो स्टोरी कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में ही तुम्हें पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या होने वाली है। शुरू में ही बता दिया जाएगा कि नल को वेनम से एक्स कोड चाहिए, क्यों चाहिए वो तुम मूवी में देख लेना। तो बस उसी के आसपास पूरी कहानी घूमती रहती है, उसी को पाने के लिए वो सर्वाइवल एंड चेडिंग स्टोरी पूरी मूवी में घूमती रहेगी, जो बीच में 10-15 मिनट के लिए बोर भी करेगी, थोड़ा खींचने का काम करती है। बाकी कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं है जो ऐसे सॉल्व नहीं होगी, कोई ऐसा दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ेगा, खर्च नहीं करना पड़ेगा, सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड स्टोरी है। बाकी वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के बाद से एडी ब्रोक और वेनम के जो घोड़े लगे पड़े हैं, जो ट्रेलर में भी देखा है, वो स्पेशल फोर्स एडी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। दूसरी तरफ नल के जीनोफेजेस भी हाथ धोके पड़े हैं इसके पीछे, और एडी एंड वेनम का सर्वाइवल ही स्टोरी है इस मूवी की। बाकी जितने भी एक्शन सिक्वेंसेस हैं वो बहुत इंप्रूव है। VFX का पार्ट ले लो, CGI का पार्ट ले लो, बहुत प्यारा दिखाया है। पिछले 2 पार्ट से काफी इंप्रूव्ड मामला देखने को मिलेगा। मजा आएगा आपको एडी और वेनम की सॉलिड केमिस्ट्री को देखकर, जहां इस बार एडी ने ज्यादा काम किया है वेनम के मुकाबले, क्योंकि वेनम को पूरी मूवी में छुपे रहना था। वो बार बार जो डिटेक्ट हो जा रहा था, डिटेक्ट कौन कर रहा था बार बार, ये भी बाबा मूवी में ही तुम देख लेना, मैं यहां नहीं बताऊंगा। बाकी बाबा सिम्बियोट्स की आर्मी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। इतने सारे सिम्बियोट्स, बहुत सारे, और वो सब एक साथ सॉलिड केमिस्ट्री सेट करके लड़ रहे थे, क्योंकि वेनम को बचाना जो था वो लास्ट क्लाइमेक्स एक्शन पार्ट तो बेस्ट था, जहां अपने कार्नेज का बेटा टॉक्सिन जो डिटेक्टिव मॉलिगन के अंदर घुस गया था लास्ट में, जो हमने वेनम 2 के एंड में देखा था, वो काफ़ी हेल्प करता है वेनम की। इसी के साथ साथ बाकी के सिम्बियोट्स भी वेनम को काफ़ी हेल्प करते हैं बचाने के लिए। जो हमें ट्रेलर में रंग बिरंगे बहुत से सिम्बियोट्स दिखाए जा रहे थे, सारे के सारे सिम्बियोट्स हेल्प करते हैं। ऐसा लगेगा कि सिम्बियोट्स का ट्रांजिशन चल रहा हो, हरा, पीला, गुलाबी, बैगनी, लाल, तरह तरह के। और जो अपनी डॉक्टर पेन है बाबा, इसने तो अलग ही आग मूंदी है। क्लाइमैक्स का एंड सिक्वेंस में पावरफुल सिम्बियोट का रूप धारण करती है, मजा आ जाएगा आपको देख के। एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि सिम्बियोट्स की ट्रांसफॉर्मर मूवी तो नहीं चल रही है कहीं ये। बाकी 2-3 हार्ट वार्मिंग मोमेंट भी है इसमें, आपका दिल भी पिघलेगा, और लास्ट में तो खासकर। बाकी ये मूवी खत्म होते होते ढेर सारे सवाल छोड़ जाती है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ढेर सारे क्ल्यू भी छोड़ जाती है। मुझे समझ में नहीं आया कि टॉम हार्डी बार बार ये क्यों कह रहा था कि ये लास्ट मूवी होने वाली है। भाई चूतिया काटा है इसने हमारा, क्योंकि इसके बिना तो आगे का कोई पार्ट बन ही नहीं सकता। बाकी वेनम मरा है या नहीं मरा है वो आप मूवी में देख लेना भाई साहब, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बाकी हाँ, अगली वीडियो ब्रेकडाउन की होने वाली है, तो वहाँ डिटेलली बात करी जाएगी सारी थ्योरीज को एक साथ लेकर। तो बाबा यही सब है मूवी में, बहुत कुछ नया एलिमेंट नहीं है। जो वेनम की स्टोरी शुरू से चलते आ रही है फर्स्ट पार्ट से, उसी के दायरे में रहकर न्यू एलिमेंट्स निकाल कर आए हैं, और एक नहीं कई सारे एलिमेंट्स हैं। तो उस पर एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी दैट्स माई रिव्यू फॉर वेनम द लास्ट डांस मूवी। मूवी बहुत अमेजिंग है, बिना संकोच के जाओ। वेनम एंड एडी ब्रोक की अतरंगी केमिस्ट्री आपका दिल फिर से लूटेगी, दावा है मेरा। बाकी नल का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, मुश्किल 4 से 5 मिनट का, एक स्टार्टिंग में, एक मिड में और एक एंड में, बस इतना ही।
जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ज्यादा रोल नहीं होगा, तो मैंने एक्सपेक्ट भी ज्यादा नहीं करा था। आप भी मत करना ऐसा सोच के चलना कि वेनम और एडी को देखने ही जा रहे हैं, तो फुल मजा ले पाओगे बाबा। बाकी दो पोस्ट क्रेडिट सीन है, फर्स्ट तो समझ आया, लेकिन सेकंड तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या ही कनेक्शन था वो, बता दूं क्या था। चलो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे ब्रेकडाउन थ्योरीज में। बाकी यहां तक पहुंच गया हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है। अगर आपने भी ये मूवी देख ली तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी वेनम की ब्रेकडाउन वाली वीडियो में। जय हिंद।